जी नासरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आप जैसा कि हमने ब्रेक से पहले हमने बात की, हम माहिर नफ्सियात भी थे और फैमिली काउंसलिंग में माहिर थे मौलाना सादिक तकवी साहब, और उनसे बातचीत भी की। अली भाई, क्या कॉल आ रही है या हम बताते जाएं आपको? सबसे पहले कॉल आपकी बाद में लेते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है फैमिली काउंसलिंग, ख़ानदानी नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनका हल किस तरह से मुमकिन होता है और किस तरह ये वजूहत पैदा होती हैं और हम इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए। इसी के साथ पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि ड्रॉप हो गया लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जो। तो बात हम ये कर रहे हैं कि अली भाई, बहुत ही सेंसिटिव सा एक इशू है जिसको हमने कभी यूं कह लीजिए कि रिवायात की वजह से या कभी शर्मो हया का एक एलिमेंट जो रहता है कल्चर की वजह से हम उसको सामने नहीं ला सके हैं और जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले गए हैं बजाय कम होने के। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने माशरे में जहाँ पर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एशियंस के अंदर, इंडिया पाकिस्तान में, खुसूसन पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी बसते हैं और इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स में भी जो एशियन कल्चर है हमारा, हिंदुस्तान का ले लें, पाकिस्तान का ले लें, वहाँ पर ख़ानदानी सिस्टम बरकरार है। वहाँ पर ये होता है कि पूरी पूरे खानवादे एक साथ रहते हैं। यहाँ पर यूरोप में हम या इंग्लैंड में देखते हैं तो जारी बात है यहाँ पर एक एक फैमिली की सूरत में लोग अलग हो चुके हैं। जी, एक कॉल शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप बोल रही है जी? आपको हिदायत टीवी से बात करनी है? आप हिदायत टीवी पर ऑन एयर हैं बेटा। एक दुआ। हाँ जी बेटा, पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें, माशाल्लाह पढ़िए। صلوات کا علیہم وانا باش فی خاص حصہ وفی کل سا ولیان وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلا وعینا حتا تصمتہ اوزقا توا بیرمتہ فیہا تغیلا بیرمتہ या अमीन। बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटा आपने पढ़ी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है इसको, शाबाश बेटा। थैंक यू, खुदा हाफिज। जी, तो हम बात कर रहे थे असल में मसाइल हमारे जो है वो हमारा जो कल्चर है ना उसके अंदर बाज़ जगहों पे, अब बहरहाल उसके अंदर चेंजेस आए हैं चूँकि मीडिया का दौर है और इस सदी के अंदर इसके तकाजे अलग हैं क्योंकि हर ज़माने चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से इंसान जो है वो अपने को भी बतदरीज तब्दील करता रहता है। तो अभी वो मगर हैं हमारी उसूल तो वही हैं, रिवायात भी वही हैं, थोड़ा सा फ़र्क आ गया है सोसाइटी में, मगर अभी बाज़ जगह अभी भी लोग ज़हनी तौर पर पत्थर के दौर में ही रह रहे हैं। हो सकता है कि मेरे नाज़रीन में से बाज़ लोगों को जो है वो मेरी राय से इख्तलाफ हो। पहले कॉल को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी, ठीक हैं आप? कौन भाई कहाँ से? शुक्र है, कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिर शाह बोल रहा हूँ, कोटा से। जी नासिर शाह, कोटा से। जी खुश आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और हम तकरीबन जो बार बैठे हर रोज सुनते हैं। जज़ाकअल्लाह। और एक तो बच्चों के लिए भी मैं कल भी देख रहा था टेलीविजन पे, बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू था। तो माशाल्लाह जी, ये जिस तरह दूसरे मजाहब हैं मदनी वाले या इस तरह के, और आजकल बहुत कंपटीशन जारी है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल मैं बात भी कर रहा था कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तीन चार चैनल शुरू हैं, चले कम अज कम दुनिया तक ये बहुत अच्छे पैगाम जा रहे हैं हमारे इस्लामी वाले से। हम अपने जो हमारे फिका के लोग हैं हमारे लिए भी बहुत अच्छी दीनी जितने भी मसाइल हैं हमें इससे आगाही हो रही है, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तो ये छोटे बच्चे हैं जो आपको एक नात सुनाना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जरूर।
जमीन जिसने सारी मिला दी इकावाज ने तो तिबत दी जगह दी पड़ा हर तरफ बुलिया का नाम यात्र सुबह उठे तो जबल नाम यात्र सब से शरीयत की काली का बनाया हकीकत का बुलंद को एक की बताया जमाने के बिगड़े हुआ को बनाया बहुत दिन के सोते हुआ को जगाया खुले पे नगराज अब तक यहाँ पर वो दिखला दिए पर्दा उतार वो नबियों में रहमत लगा आने वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नात जो है बहुत शुक्रिया आपका बेटा जी तो बात हो रही थी तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हो सकता है कि बाज़ नाज़रीन जो है वो मेरी राय से इख्तलाफ करें और बिल्कुल ज़ाहरी बात है कि बाज़ को इख्तलाफ होगा और बाज़ को इत्तेफाक होगा कि कल्चर का मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो औरतों को या बच्चों को आप कह लें जिनकी नई शादियाँ जवानों की हो रही हैं नौजवानों की वो ये तरीक़ा पहले नहीं था कि दोनों को शादी से कबल बातचीत कराई जाए। देखें अगर इसके ऊपर उलमा से महाराना राय ले लें तो मेरे ख्याल में जब एक औरत हिजाब में सामने बैठती है बात करती है तो उसमें क्या हर्ज है। मेरी मैं अपनी समझ रहा हूँ ठीक है अगर इसमें कोई आलिम को किसी को एतराज़ है तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा मगर ये कि मिलने में इंसान मिलता ही है ना बातचीत करते हैं आपकी जाती राय है जाहिर है ठीक है ना आप अपने कज़न से मिलते हैं आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं इस्लाम मिलने को तो मना नहीं करता मगर आप हिजाब में जो है वो औरतें मिलती हैं और खाली औरतों पर हिजाब वाजिब नहीं है मर्दों पर भी है कैटेगरी डिफरेंट है आपकी आँखों का हिजाब है आपकी सोच का और आपकी फ़िक्र का हिजाब होना चाहिए कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं खातों से मिल रहे हैं नामहरम है तो आप अपनी आँखों का हिजाब करें आप अपनी निगाहों में तहारत को बरकरार रखें और अपनी सोच को जो है वो ताहिर रखें। ये इंसान में एक मर्द का हिजाब है तो वो पहले इस तरह से काउंसलिंग नहीं होती थी बैठ के बात नहीं होती थी इंतखाब कर लेते थे बाद में झगड़े शुरू हो जाते थे। कॉलर को लेते हेलो अस्सलाम वालेकुम पीर मौलानी मदद जी बेटा कैसी हैं आप कैसी हैं आप जी अल्लाह का शुक्र आप कैसी हैं ठीक है बेटा जी आंटी अंकल आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आपकी दुआएं क्या पढ़ेंगी आवाज अंकल हम कसीदा सुनाना चाहते हैं बिस्मिल्लाह 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 पढ़िए अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलमदार दी शानी आला बने अलमदार दी शानी आला बने अलमदार दी अलमदारी अलमदारी अलमदार दी शानी आला
अलमदार दी शानियाला बने अलमदार दी अज सुनो कसीर तैत बाद चार दे अलमदार दी शानियाला बने अलमदार दी जानियाला बने अलमदार दी अलमदार दी जानियाला बने अलमदार दी वादी पुछा जाके हाँ नाल लाला के खुश रही अली अमीर दी दाफ़स बेटा बहुत अच्छा हमारे साथ आपको फैमिली में शामिल हैं ये बतूल सिस्टर था हमारे साथ बिल्कुल कॉल शामिल कर लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम आपको खुशामदीद कहते हैं आपने बड़ा अहम टॉपिक है आपका इसलिए किसका ताल्लुक जो है फैमिली से भी है माशरे से भी है इसलिए कि हर फैमिली जो है माशरे का हिस्सा भी होती है बेशक बेशक अगर कोई चीज़ फैमिली के अंदर खराब हो जाती है तो माशरे के ऊपर असरअंदाज होती है उसको भी मुतासर करती है तो ये एक अहम नुक्ता है देखिए बात यह है कि फैमिली शुरू होती है एक मर्द एक औरत से जो शादी करती है खुदावंद आलम की कहती एक बात मैं ये कहती कि हर कम्युनिटी का अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है हमारा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो खुदावंद आलम है कलाम पाक है रसूल पाक है और उसके साथ ही साथ पंचतर पाक और अलमाए ताहरीन वो हमारे लिए मिसाल राह हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए एक बातें कलाम पाक भी हैं उनकी तस्वीर जो है और तफसील जो है वो मासूमीन ने की है तो उसके ऊपर अमल करना होता है इब्तदा शुरू होती है एक मर्द एक औरत से जो शादी करती है जब ये शादी करते हैं तो उस वक्त मामला सिर्फ दो लोगों के दरमियान होता है एक औरत और एक मर्द के दरमियान
उसमें अगर कोई मामला होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई मसला पैदा हो जाता है, तो कलाम पाक में उसकी बाकायदा सराहत के साथ में तमाम बातें दी हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ में बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद जब वह उनके औलादें होती हैं तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एक औलाद और वाले बहन का ताल्लुक और एक औलाद का आपस में ताल्लुक, भाई बहनों के ताल्लुक, भाइयों के कैसे आपस में ताल्लुक, भाइयों बहनों के ताल्लुक कैसे हों और बहनें बहनों के दरमियान ताल्लुक कैसा और इन सब का ताल्लुक अपने वालिदैन से कैसा। खुदाबंद आलम ने कलाम पाक के अंदर जहाँ तक तुम वाला या भी कहकर ये कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका हमने जिक्र न किया हो, तो उसमें बातें बताई हैं कि किस तरीके से इंसान को बिहेव करना चाहिए। वालिदैन का रुतबा बता दिया और उन्होंने रसूल पाक की जिंदगी के हालात में बहुत से कुछ हालात बताकर ये बताया कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। आपस में चीख चाख के बात मत करो, वालिदैन से जोर से जोर से बात मत करो, जब वालिदैन आराम कर रहे हों तो दोपहर को या किसी वक्त आप उस वक्त उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, कुछ ऐसे औकात हैं जिसके अंदर आप उनके पास न जाएं। इस किस्म की सब चीज़ें बताई गई हैं लेकिन मसले पैदा होते हैं इसलिए कि शैतान हर वक्त मौजूद है और वो बरसर पैकार रहता है आलम इंसानियत से, तो वो गड़बड़ से जरूर करेगा। उसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अगर आपस में मामला प्यार मोहब्बत से और कलाम पाक और अल्लाह की जो आपको तौफीक दी है समझने की, अल्लाह के अहकाम को अगर उसको समझने के बावजूद आप अपनी फहम के मुताबिक उन मामला को तय नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इदारे कुछ ज़रूर होने चाहिए, ऐसी शख्सियात ज़रूर होनी चाहिए जो जिनकी तरफ तवज्जो की जाए, उनसे मशवरा मांगा जाए और वो जो कहें अगर वो कलाम पाक और खुदावंद आलम के अहकाम के मुताबिक है तो उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए, इसलिए कि यही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बाकी कम्युनिटीज किसको मानती हैं ये उनका मामला है, लेकिन हमारा तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रसूल पाक हैं, खुदावंद आलम है और कलाम पाक है और मैं मासूमी और इत्तेहाद मासूमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके प्यार मोहब्बत और अमन अमान से ईमानदार को तय करना चाहिए। ये जो आपस में रंजिशें होती हैं उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए और ये कि किसी चीज़ का हल कत्ल वारत करी एक दूसरे की जान लेने या एक दूसरे को बुरा भला कहने या दूसरे को गिराने की कोशिश करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और जामे गुफ्तगू फरमाई आपने। बिल्कुल, और बिल्कुल नाज़रीन को भी इनकी बातें बहुत गौर से सुननी चाहिए और फिर से गौर और फिक्र भी करना चाहिए। जी तो बात हमारी हो रही है खानदानी मसाइल की। बात अली भाई शुरू करना चाहूँगी बुनियाद से कि बुनियाद खानदानी मसाइल की कहाँ से शुरू होती है, इधर हमारे रवैयों में कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी पाई जाती है। एक कॉल पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आंटी, कैसी हैं? ठीक हैं जी? ठीक हूँ बेटा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ारा डोटा से बोल रही हूँ, आपको एक नाच सुनाना चाहूँगी। चलें बेटे सुनाइए जी। ठंड ठंडी आवारों की चली, ठंड ठंडी आवारों की चली, बन के मौजे करम बस के मौजे करम मुस्तफा गए आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। आमीना का मुकद्दर कवा रह गया, आमीना का मुकद्दर कवा रह गया, गोद में ताज उनकी उता रह गया, गोद में ताज उनकी उता रह गया। नूरे गुलमा सलामी को जितने लगे, नूरे गुलमा सलामी को जितने लगे, ये रातियाँ रिजने आ गए, ये रातियाँ रिजने आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने जी।
جی آپ نے ابھی نعت سنی، ہماری چھوٹی سی بچی نے آپ کو جو ہے وہ نعت سنائی، کیا خوبصورت. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ثمرات ہیں، یہ ثمرات ہیں، یہ ثمرات جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ زندگی شروع کرنے سے پہلے کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ایک انسان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو میری شریک حیات کیسی ہونی چاہیے، اور ایسے ہی ایک لڑکی کو بھی حق دینا چاہیے ماں باپ کو، یا اس کو اتنا سمجھائیں، اتنا شعور اس میں ہو کہ اس کو یہ انتخاب ہونا چاہیے، فلمیں دیکھ کر اپنے لیے جو ہے وہ دولہا مت ڈھونڈیں بلکہ پریکٹیکلی جو ہے وہ دیکھیں کہ دیندار انسان ہو، متدین ہو، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ایسی پیدا ہوں جو کہ ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں مگر ذکر خدا اور رسول ان کے جو ہے وہ لبوں پر ہے. تو یہ وہ طہارت ہے. علی بھائی ہمیں یہاں پہ ہم بریک لیں گے. جو ٹاپک ہے ہمارا بہت اچھا، بہت سینسٹیو اور بڑا ڈیپ ہے، اس پر بات کرتے چلیں گے ہم، لیکن پہلے ہمیں ایک لینا ہوگا چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. کہیں مت جائیے گا.